ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है। January 3, 2024। बाप दादा मधुबन। प्रातः मुरली है, शिव बाबा के महावाक्य है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। और बाप का नाम बाला कब होगा? जब उनकी पूरी श्रीमत पर चलेंगे, वो कहे ऐसा जीवन बनाएंगे, तब बाप का शो आपके द्वारा होगा और बाप का नाम बाला होगा। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से, और तब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, तब तक नहीं बन सकते। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना, तब कहते प्रैक्टिकल लाइफ बनानी है। कैसा मीठा? देवता जैसा मीठा। कैसा पवित्र? देवता जैसा पवित्र। संपूर्ण मतलब कंप्लीट एंड परफेक्ट। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिकर है जो सतयुग में नहीं होगी? फिकर, बाबा कहते फिकर से फारिक, मगर कौन सी फिकर होनी चाहिए? अच्छा बनने की। ये फिकर नहीं है, क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना है जो हमें रखनी है। यदि हम शुभ भावना, शुभ कामना अपने प्रति नहीं रखेंगे और उसी के अनुसार प्रयत्न नहीं करेंगे, तो सुधार कैसे होगा? इसलिए बाबा कहते हैं, क्या करो? अपनी फिक्र रखो, मगर फिक्र नेगेटिविटी की बात नहीं है, यहाँ पॉजिटिविटी की बात है। संगम युग पर तुम्हें पावन बनने की फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दी। बाबा कहते बाकी सब बातों का बोझ मुझे दे दो। एक ही फिक्र रखो पावन बनने की, क्योंकि पावन बनेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तुम पुरुषार्थ करते हो, यह पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। पुराना शरीर है, पुरानी दुनिया है, तो भी आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए आत्मा शरीर छोड़ते समय दुखी हो जाती। बाबा कहते पुराना शरीर छोड़ना है खुशी खुशी से, क्योंकि पुराना है नया मिलेगा। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया देंगे, क्योंकि हम जानते हैं, दुनिया वाले तो जानते ही नहीं, पता नहीं क्या होगा। हमें पता है हम ब्राह्मण हैं तो बहुत ही सुखी घर में जन्म होगा, 100% है बाबा की गारंटी। आज की मुरली में भी बाबा ने बताया, हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है, दूसरों को नहीं, अपने को, कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते। खुशी क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ है। और याद क्या है? हमारा पुरुषार्थ है, जिसका फल हमें फ्यूचर में मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, दिल से पूछो, चार्ट रखो, कितनी खुशी रहती है और कितना बाप को याद करते। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलदी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। कैसे बच्चे हैं सिकलदे? 5000 साल से बिखर गए हैं, बाप आकर उन्हें मिले, तो बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी बहुत खुशी है। इसलिए बाबा कहते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं, सुनाते नहीं है। समझना है, सुनना है, सोचना है, फिर समझना है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ बनानी है। पढ़ाते भी है, समझाते भी है, पढ़ाते भी है, रोज एक भी दिन मिस नहीं। इतना बड़ा सुप्रीम टीचर है, 365 days a year, नो वीकेंड, नो हॉलीडेज, नो वैकेशन। इसलिए बाप करता है अपने लायक का। इसलिए दोनों बात हो रही है, समझाना भी और प्रैक्टिकल लाइफ भी बनाना, क्योंकि सामने बैठे सब कुछ दिखाते हैं। पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज। क्या पढ़ाते हैं? त्रिकालदर्शी बनाते हैं आदि मध्य अंत का राज। और समझाते हैं, क्या समझाते हैं? सर्व गुण संपन्न बनो, देवी गुण धारण करो, प्रैक्टिकल लाइफ बनाओ। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अब कभी एक दिन में तो नहीं बनेंगे, एक दिन में प्योरिटी नहीं आएगी। याद करते करते जितनी याद बढ़ेगी, और याद बढ़ने का आधार है आत्माभिमानी बनना। तुम जानते हो क्या, इस समय यह तमो प्रधान सृष्टि है, सतो प्रधान सृष्टि थी, जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है।
तब आकर पूरा ज्ञान देता है, पूरा चक्र समझाता है कि कैसे ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, कैसे जाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। आज के मुझे यह है पुरानी दुनिया, सबके लिए कहेंगे ना, हमारे के लिए सबके लिए, क्योंकि सबकी वानप्रस्थ अवस्था, दुनिया की हालतें हम देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े, नेचुरल कैलमिटीज, मनुष्यों की बातें क्या क्या सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं, गिरती ही जा रही है दुनिया, किसी को भी सुख शांति रही नहीं, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, सबका हाल समान है। इसलिए पुरानी दुनिया सबके लिए, यह नई दुनिया, जब यह नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे, पास्ट में थे, अभी तो कुछ नहीं है, बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं, शरीर को नहीं, रूहों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चे तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है, बाबा प्यार से समझाते हैं। प्यार से नहीं मानेंगे तो बाबा कहते हैं कार्मिक अकाउंट रह जाएंगे, तो मार से भी आना ही पड़ेगा, वहाँ जाना तो है, इसलिए बाबा कहते हैं प्यार से तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है, बाप से वर्षा जरूर लेना है, पर वर्षा कब मिलेगा, पुरुषार्थ करेंगे तो फल मिलेगा ना, मुझे अपने बाप को याद जरूर करना है, उसके लिए कर्म कौन सा करना है, याद का। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं माता पिता को, जितना बड़े होते जाते हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते, बालिक होते हैं तो उनका हक नहीं बनता, हक बनता है मगर वो हैंडल नहीं कर सकते, बड़े होते जाते हकदार बनते जाते, तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जिसने सब हदें मिटा दी, हमारी उनका तो हद है ही नहीं, क्योंकि तो सागर है, बाप से बेहद का वर्षा लेना है, कोई हद नहीं, जितना भी चाहिए उतना ले सकते हैं, अपने हाथ में भाग्य लिखने की कलम बाबा ने दे दी, सुने कर्म की कलम, उसके आगे जाए तो अपने थॉट संकल्प की कलम, जिससे हमारा भाग्य बनता है, इसलिए बाबा कहते हैं बेहद का वर्षा लेना है, अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं है, यह तो बच्चे समझ गए हैं क्या, यह यूनिवर्सिटी है, यह कोई रिलीजियस गैदरिंग नहीं है, यूनिवर्सिटी है, सबके लिए एम एंड ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनना, सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी, हम कहते सबको मैसेज मिल जाएगा, जाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, ज्ञान तो इतना तो मिल जाएगा, चलो घर और चले जाएंगे, इसलिए बाबा कहते सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है, हदों से बाहर निकलना, हदों में फंसना नहीं है, हृदय में बांधती है, फंसाती है, इसलिए बाबा कहते हैं हदों से बाहर निकलना है, बाहर निकलेंगे तो आगे जा सकेंगे, वरना आगे जा नहीं सकेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं हदों से बाहर निकलना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है, अभी ये पुरानी दुनिया चेंज होनी है, लॉ ऑफ द नेचर, पुराना होगा तो नया बनेगा ही, उसमें से जो अब तमो प्रधान है वह सतो प्रधान होंगे, कौन बनेंगे, हम ही तो बनेंगे, बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं, कैसा बाप बेहद का बाप, कैसा वर्षा बेहद का वर्षा, किसका वर्षा, सुख का वर्षा। अब हमें एक रूहानी बाप की मत पर चलना है, वैसे की बाप जो श्रीमत है देता है, इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रदान होती जाती है, फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना, तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्म मन, जिसका मन ब्रह्म में स्थिर होता है, जो सोल कॉन्शियस बनता है वही ब्राह्मण, हम बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान क्या है, पढ़ना और प्रैक्टिकल लाइफ बनाना, डॉक्टर बन जाता है तो प्रैक्टिकल लाइफ बन जाती है, वैसे यहाँ भी भक्ति अलग है, तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं और कोई को इस ज्ञान का पता ही नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं है, हमें भी पता नहीं था, पता पड़ा किसी के द्वारा, बाबा का मैसेज मिला,
बाबा कहते हैं किसी को पता नहीं दुनिया में बाकी, वह यह नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वह कैसे पढ़ाते। दुनिया भगवान समझती, ईश्वर समझती, अल्लाह समझती है, गॉड समझती है, ईश्वर समझते, मगर कैसे पढ़ाते हैं कोई भी धर्मों में क्लियर नहीं लिखा हुआ ही नहीं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते, इसलिए बाबा हर रोज़ अलग अलग मुरली की टॉपिक चलाते, क्यों सब धर्म का ज्ञान आ जाए, सब कुछ हो जाए, हम कंप्लीट एंड परफेक्ट बन जाए, मन कहीं घूमे नहीं, पॉजिटिविटी में मन घूमे, इसलिए बाबा अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत समझाते रहते। नंबर वन बात है बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना, सन सोज फादर, इसको कहते हैं नंबर वन बात, संपूर्ण पवित्र बनना, बाला करना में संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना। पवित्र तो दुनिया में बहुत बनते हैं मगर गुस्सा इतना करते, बाबा कहते हैं गुस्से की बात नहीं, सन्यासी खास करके क्रोध करते, बाबा संपूर्ण मीठा भी बनना, कैसा देवता जैसा, यह है ही ईश्वरीय विद्या, देने वाला है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर वरदान देता है। दादा नहीं पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, कोई बहन व भाई नहीं पढ़ाते, भगवान बैठ पढ़ाते हैं ब्रह्मा के शरीर में आकर। उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करना है सेकंड की बात, बस एक बार नीचे बैठ गया कि यही बाबा है, तो फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। अपने को आत्मा समझो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, नो वेस्टेज ऑफ मनी, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, सिर्फ आत्मा समझना है, और आत्मा समझेंगे तो बाप याद आएगा, बाकी बुद्धि में से निकल जाएगा। इसलिए बाबा अपने को आत्मा समझो, तुम जानते हो हम आत्मा ये शांति धाम में निवास करती है, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने, हमारा ओरिजिनल स्वीट साइलेंस ओम है शांति धाम, पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। नंबर वार 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है, अब कहते हैं चलो घर, यहाँ पाठ नंबर वार जो भी था हमने पूरा कर लिया, ये दुनिया बदलने वाली है, इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है, हमारा पाठ क्या है, पढ़ाई हमें कैसे एप्लीकेबल है, बराबर समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है, जानते हो क्या, यह हमारा अंतिम जन्म है, इसमें बाप मिला है, हम सब कुछ जानते हैं। जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है, जब तक पूरा नहीं होता तब तक दुनिया बदलती नहीं। 84वां जन्म मतलब ब्राह्मण जन्म, बाबा कहते हैं एक दो तीन भी ब्राह्मण जन्म हो सकते हैं। तुम इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो। कल बाबा ने क्या कहा था, बाबा से बातें करो बस बाबा, और जन्म नहीं लेना है, सत्य तो इसमें ही रहना है। आज बाबा दो तीन जन्म की भी बात करता है, क्यों, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से बातें करना अलग चीज़ है, रोल अलग चीज़ है। तो बाबा से बातें करो, क्यों, पॉजिटिविटी बढ़े, नेगेटिविटी चले ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो, सब कुछ बाबा ABCD बता देते हैं, आत्मा बी बाबा, सी कनेक्शन, डी ड्रामा, सब कुछ आ जाता है। 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर ठहरे हो, बाबा के बन गए, ठहर गए, क्यों, योग से आयुष बढ़ती है, बैटरी आत्मा की चार्ज होती है धीरे धीरे, इसलिए ठहर जाते हैं। अभी पढ़ रहे हो फिर दुनिया में जाएंगे, नए नए आते रहते, कुछ न कुछ निश्चय होता रहता है, कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं, बाबा की संख्या बढ़ती है, बाबा की कोई नए नए आते रहते, कोई लग जाते हैं, बाबा के पक्के बन जाते हैं, बुद्धि में है हम सत्व प्रधान पवित्र बन रहे, हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे, उन्नति को पाने का एक ही आधार है इस समय पर पवित्र बनना, पवित्र बने बिगैर उन्नति पा नहीं सकेंगे। पर बाबा की पवित्रता क्या है, मन वचन कर्म, मन में कोई भी अपवित्र व्यर्थ संकल्प न चले, यह है बाबा की पवित्रता।
बाबा ने समझाया है क्या, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है, याद से ही आत्मा पवित्र बनती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा। यह भी जानते हो क्या कि इस दुनिया का सब तुम सब कुछ छोड़कर आए हो, सब कुछ बाबा कहते हैं सब कुछ तेरा मेरा कुछ भी नहीं, जो इन आँखों से देखते हैं वह देखने का है नहीं, क्योंकि यह विनाश हो जाना है, यह सब खत्म हो जाने वाला है। बाबा बार बार याद दिलाता है, क्यों वैराग आए, अटैचमेंट न रहे। अंतिम श्लोक गीता का, ऐसा स्वरूप बन जाए नष्ट मोहा स्मृति लता। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते, तुम अभी सारे चक्र को जानते हो, इसलिए क्या कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी या तो सुदर्शन चक्रधारी, क्योंकि पूरा चक्र को जानते हैं। बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने, चक्र का ज्ञान देने, क्यों तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। जैसे वह इम्तहान 12 मास के बाद होता है, जो एनुअल एग्जाम होती है दुनिया में, तुम्हारे याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है। बहुत कुछ याद रहता है फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा। सुनना मुझे, जितना बाबा का ज्ञान पक्का होता जाएगा, जितना याद करते जाएंगे, फिर दूसरा कुछ भी याद नहीं आएगा। बात है प्रैक्टिस की। एकदम आत्मा अशरीरी आई अशरीरी जाना है, तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते, करोड़ों हो गए है ना, 2022 के एंड में ही 8 बिलियन 800 करोड़, और गूगल ऐसा बताता है लास्ट साल एक अप्रोक्सीमेटली कुछ 10-11 करोड़ के, 10 करोड़ के आसपास पूरा फिगर दिया है, कितना पॉपुलेशन बताया एक साथ, मतलब और भी आत्माएं नीचे आती है अभी भी। इसलिए बाबा के सतयुग में तो बहुत हम थोड़े थे, 9 लाख थे, पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ टाल टालिया बढ़ते बढ़ते जाल बहुत बड़ा हो गया, इतना जाल बड़ा हो गया है कि जड़ भूत हो गया है, गिरा की गिरा। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही बड़ा, लोग कोई नहीं कह सकता कि हम देवता धर्म के, क्योंकि संपूर्ण प्राय लोग हम ही देवी देवता धर्म थे, धर्म में थे हम ही सतो प्रधान थे। अब कहते हैं नशा होना चाहिए, हम ही लक्ष्मी नारायण थे। अब वह धर्म ही तमो प्रधान हो गया है, क्या कहते इसलिए हिंदू, अब फिर सतो प्रधान बनना है और बनने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। और हर धर्म की यह हालत, खाली हिंदुइज्म नहीं, सब धर्म तमो प्रधान हो गए हैं। जितना पढ़ेंगे जितना पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा, तो क्या होगा, ब्लेसिंग मिलेगी और दुआ दवाई का भी काम करेगी, आत्मा की और शरीर की दोनों की। बहुत प्यार से समझा बाबा, कहते गुस्सा करके नहीं, कब बाबा ने कहा था ना, नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नो सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों में नहीं आना, अभिमान भी नहीं आना चाहिए। इसलिए बाबा ने क्या वर्ड स्पेशल यूज़ किया था, जो 8 गुणों में से एक गुण है, बाबा कहते हैं ह्यूमिलिटी नम्रता। तो पूरा का पूरा बाबा कहते हैं ना ऊपर अभिमान नहीं आना चाहिए वरना गिरेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना है, एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं उसमें भी यही समझाना है, पर्चे में भी, कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, गीता पढ़ना भी भक्ति है, तब कहते सब कुछ भक्ति है, वेद शास्त्र गीता कोई भी धर्म का शास्त्र, ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेगी, क्योंकि समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है पूरा, प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की बात ही नहीं है वहाँ। ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं तभी आकर युक्ति बताते हैं किसकी, सतो प्रधान बनने की, उसके सिवा कोई पंडा सतगुरु बन ही ना सके, वो ही आता है बताने, फिर सतो प्रधान पद मिल जाता है। बस एक बार समझा दिया, पढ़ाई पढ़ा दी, पूरी हो गए पद की प्राप्ति डिग्री। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम यह बनने वाले हैं,
यह है ईश्वरीय पाठशाला। ये कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, बाबा कहते पढ़ने वाली पाठशाला है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था, तमो प्रधान बने तो नर्क है। हमारी स्थिति के आधार पर पूरी दुनिया बदलती है, तो हमें बदलना जरूर है। फिर चक्र को फिरना है, बाप ही आकर मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते, और कोई पुरुषार्थ ऐसा करा ही नहीं सकता, ताकत ही नहीं कोई मनुष्य की। बाप को याद करना है और देवी गुण धारण करने, दूसरा कुछ नहीं करना है इसमें भी। बाबा को याद और धारणा, लड़ना झगड़ना नहीं है। क्यों? देवता ये कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। बाबा कहते देवता ये बड़े रौनक है, लड़ाई झगड़ा की कोई बात नहीं, बड़े मीठे हैं। तुमको भी वही बनना है, एम ऑब्जेक्टिव। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है इसे मत। और क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न सागर नहीं कहते, सागर की उपमा सिर्फ परमात्मा को दी जाती है। हम संपन्न बन सकते हैं, सागर नहीं। हमें उससे लेकर देना है दूसरों, अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है। प्रश्न पूछो अपने से, अपने को कहाँ तक खुशी है और कहाँ तक निश्चय है। यह तो सारा दिन याद रहना चाहिए, खुशी कहाँ तक है, निश्चय कहाँ तक है, ये सारा दिन याद रखेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। परंतु माया ऐसी है जो बुला देती है। तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार है, मतलब सेवाधारी है। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, दुनिया की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते। पढ़ाने वाला वो है बेहद। यह पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है, कोई गारंटी नहीं है बाबा कहते किसी की भी। आपे ही न छूटे, ऐसे न छूट जाए, हम खुशी से इस शरीर को छोड़े, खुशी खुशी से। हम इस छीछी शरीर को छोड़ पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं, है ना। छीछी शरीर, पुराना शरीर, अंतिम शरीर में दुनिया भी कैसी, अंतिम चरणों में। कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं ना, कोई दिवाली हो, क्रिसमस हो, जिसका जो धर्म का जिसको मानने का, तो नए नए कपड़े पहनते हैं ना। यहाँ तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। शरीर रूपी कपड़े की बात है, कॉस्ट्यूम की बात है, ऐसा शरीर। हमको एक ही पूर्णा है, क्या पूर्णा रखनी है? पावन बनने का। और सब फिकरातों से हम फारीग हो जाते हैं बाबा, बाकी कोई फिकरात नहीं रखनी, सब कुछ बाबा को दे दो। एक ही फिकरात रखो, हम कैसे जल्दी से जल्दी पावन बने, कंप्लीट बने, परफेक्ट बने। यह सब खलास हो जाना है फिक्र का है घर के, कहते सब कुछ मिट जाना है, कुछ भी रहने वाला नहीं, यहाँ की एक भी चीज वहाँ चलने वाली नहीं। तो बाबा कहते फिर फिक्र का है घर। आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे, फिर आधा कल्प कोई फिक्र रात नहीं रहेगी। एवरीथिंग एबंडेंट इन गोल्डन एज सिल्वर एज, तो फिक्र की कोई बात ही नहीं रहेगी। यह सुख दुख का खेल है। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। बाबा ने समझाया है, तुम पूछ सकते हो क्या सतयुग सुख धाम के रहवासी हो या कलयुग दुख धाम के, वो तो पूछो क्वेश्चन। यह तुम नई नई बातें सुनाते हो, जरूर कहेंगे अब दुख धाम के वासी है। बहुत प्यार से पूछा जाता है, उनको बुरा न लगे, कहीं ठेस न पहुंच जाए, कहीं बाबा की डिससर्विस न हो जाए, पूरा ख्याल रख कर सुनाना। तो बाबा कहते बहुत प्यार से पूछा जाता है, जो मनुष्य आपे ही समझे कि हम कहाँ के वासी, प्रूव करके दिखाओ। आज की दुनिया की हालत देखो, महाभारत जैसी ही हालत है, तो प्रूव करके दिखाओ। कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है, पल कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नर्कवासी न। कितना भी बड़ा हो, कितना भी धनी हो, मगर बाबा कहते हैं हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है, दोनों है तो हैप्पीनेस नहीं है, दोनों है तो भी हैप्पीनेस। क्यों? नर्कवासी है ने? स्वर्ग में, स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। अब
कलयुग पुरानी दुनिया है, ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। कंपैरिजन करो दोनों दुनिया की, सीढ़ी में भी क्लियर है, सीढ़ी का चित्र देखो 84 जन्मों का। तुम सुखधाम में हो या दुखधाम में हो, यह हेल है या हेवन है, डिटी हो या डेविल हो, कहते हैं धीरे से जरा बराबर है, पूछना जरूर, ये पूछना है जरूर। सतयुग को डीटी वर्ल्ड कहेंगे, डीटी वर्ल्ड है वहाँ, कलयुग को नर्क डेविल वर्ल्ड कहेंगे। तो पूछना है सतयुग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो, क्या है? अपने आप जज करो, क्राइटेरिया दे दो, दुनिया की हालतें दे दो, हर धर्म शास्त्र जो कहता है अंतिम नज़ारे वो सुना दो, फिर उनके ऊपर छोड़ दो। क्या समझते हो? पल कितना भी धनवान हो परंतु वासी कहाँ के हो? अभी तुम्हारे में ज्ञान है, हमको भी पहले पता नहीं था, अब पता चला है। पहले यह बातें ख्याल में भी नहीं थी, संकल्प में भी नहीं थी, स्वप्न में भी नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम संगम युग पर है, संगम पर है, दोनों का संगम, कौन सा? कलयुग का अंत, सतयुग की आदि, दोनों के बीच। जो कलयुग में है वह पतित नरकवासी है, फिर पावन बनना है, तब तो पुकारते क्या, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। यह भी समझाना है, तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं, पर हमेला करते थे, लाखों लोग आते थे, 100-200 कोर्स करते, इसमें एक भी नहीं निकलता या एक या दो निकलते। अभी तो थोड़ा समय बदल गया है, काफ़ी लोगों को नज़ारे मौत के सामने आ रहे हैं, इसी समझते, पहले इतने समझते नहीं थे। और अभी समझाने वाले भी बहुत अच्छे हैं ना, शिवानी बंजे से, जो जो प्यार से समझाते, तो लोग को आर पार उतर जाता है। तो कहने का मतलब, अब कहते कोटों में कोई निकलते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ जो सिखलाता हूँ उस पर कोई बिरला ही चलता है, पहचानता भी उनको बिरला ही है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यह चक्कर फिरता है न, साइकिल ऑफ टाइम, या तो वर्ल्ड साइकिल, वो फिरता ही रहता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर, फिर से तुम सुखधाम शांति धाम के मालिक बनते हो। सुखधाम में दुख का नाम भी नहीं, मैं कहते नाम भी नहीं, निशान भी नहीं, कुछ नहीं है वहाँ दुख, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही सुख है। इसलिए जैसे ही देहभान का दुख आता है, तुरंत आत्मा परमात्मा को ढूंढने निकलती है वापस से। अगर बुरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा, यह तो कॉमन बात है ना। इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा दे लो, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, दूसरा कुछ नहीं करना, सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है, बहुत मीठा बाबा है, बाबा से बातें करो। उनका डायरेक्शन है कि देह सहे देह के सभी बंधन खलास कर दो, आत्मा तो अविनाशी है, कभी भी आत्मा मृत्यु को नहीं पाती है, एनर्जी है, निडर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, खाली ट्रांसफॉर्म होती है सतो प्रधान से तमो प्रधान और तमो प्रधान से सतो प्रधान, और सतो प्रधान वो ही बना सकता है दूसरे किसी के ताकत। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक शरीर लिया दूसरा, एक छोड़ा दूसरा लिया, इसलिए बाबा कहते आत्मा समझ याद करो, बहुत मीठा बाबा है, अभी अभी शरीर लिया अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़ी लगती है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते हैं, जब हम सतो प्रधान थे तो हम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे, लेकिन एक मेरा औला की थे आयु 150 साल से भी ज़्यादा थी, दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही था आदि सनातन देवी देवता धर्म, या तो एंजलिक रिलीजन। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती गई, नंबर ऑफ बर्थ बढ़ते गए, रजों में उतरे तो आयु कम, तमों में आए तो और कम। जैसे नार का मिसाल है ने, पानी खींचने का साधन आता है नार, उसको रहट कहते हैं, कंगने मतलब डब्बे भरते हैं और खाली होते जाते हैं, नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है, यह भी बेहद का नार मतलब रहट है। तुम अभी भर रहे हो,
भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली होंगे, भरना 100 साल में मैक्सिमम, और खाली करना का बाकी के 4,900 साल। इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है, मोबाइल की बैटरी देखो, गाड़ी की बैटरी देखो। अभी हम सतो प्रधान बनकर जाते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज शुरू होता है। रावण राज में सबको कहेंगे नरकवासी, पीछे जो आएंगे वो नरक में ही आएंगे, पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, क्योंकि स्वर्ग है ही नहीं। जब वो आते हैं मेजोरिटी आत्माएं अंत में, तो नरक में ही आएंगे, क्योंकि स्वर्ग है ही नहीं। यह बाप से भक्ति का फल मिलता है, भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है बाप का मिलन, और बाप के मिलन का फल है स्वर्ग। वर्षा समझा जाता है, इसने बहुत भक्ति किए तब ज्ञान भी लेते हैं। यह सब राज तुमको बाप ने समझा है, तुमको फिर दूसरों को समझाना है, हमारी ड्यूटी बन जाती है। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं, अब बाप आया है तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप जब आता है, आते हैं तभी आकर पढ़ाते हैं। इतना समय तो पता नहीं था, पापात्मा बनते ही गए हैं। पुण्यात्मा कैसे बनते हैं, फिर पापात्मा कैसे बनते हैं, कौन सतयुग के निवासी है, कौन कलयुग के निवासी होते हैं, कुछ भी पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, बाप को क्षमा भी कहते हैं। उनमें लाइट भी है और माइट भी है। माइट में आते हो अर्थात जगते हो, तो माइट आ जाती है, तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है। तुमको वहाँ काल खा न सके, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं है। जैसे एक खेल होता है सर्प का मिसाल, तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाए, बुद्धि में बैठ गया। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, यह सिर्फ बच्चे ही नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो, ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो। देखो बाबा क्लैरिफाई कर, कोई ने बोला एक जन्म, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते वह संस्कार ब्राह्मणपन के लिए जाते हैं, तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। सुनो, ब्राह्मण कुल भी कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेगी ने, ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना, कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, आत्मा ब्राह्मण कुल से देवी कुल में आएगी, शरीर की बात नहीं है। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी ही है, तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो धीरे धीरे। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। बड़े बाप को पहचाना मतलब बेड़ा पार। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, पहले पॉइंट अपने आप से पूछो कि क्या पूछना है। पहला, हमें खुशी कहाँ तक रहती है। दूसरा, सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, यह निश्चय कहाँ तक है, निश्चय में ही विजयी। तीसरा, हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं, दिन रात सतो प्रधान मतलब बाप पावन बनने की फिकरात रहती है। दूसरी पॉइंट है, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत मतलब सेवा करनी है, बेहद की पढ़ाई पढ़नी है और बढ़ानी है, देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देना, एक ही रास्ता है कार्मिक अकाउंट सेटल का, बाबा की याद वरदान है मालिकपन की स्मृति द्वारा, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, मन मना भव की स्थिति बनाने वाले तो मन मना भव बन सकेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान भव तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। बाबा समझाते हैं, सदा यही स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि आत्मा करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कितने टाइटल देखो, समान
तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ, इस स्मृति से मन मनाभाव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। बहुत ही अच्छा बोला, पूरे दिन स्मृति में रखेंगे। स्लोगन है, ग्लानी व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट परिस्थिति स्थिति का अनुभव करो। तीसरा दिन का आज का है पॉइंट, साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आदि। जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता अनुभव होता है, तब तक नहीं। एक के अंत में खो जाना एकांत, उसी एकाग्रता से विषय दो शक्तियां प्राप्त होती है, एक है परखने की शक्ति और दूसरी है निर्णय करने की शक्ति। यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। तो कैसे फरिश्ता स्थिति बनानी है, पूरे महीने में हर रोज एक एक नई पॉइंट आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।